नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, आईबीएम टीवी 9 न्यूज़ और डब्ल्यूएच न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम उमरेड कलांडला में हैं और उमरेड कलांडला के इस जंगल में के करीब एक खेत है, उस खेत में आज हम हैं और इसी खेत में हमारी जो मुलाकात है एक किसान से हुई है। वो राजानंद कावड़े जी है, हमारे साथ में है एक किसान नेता है राजानंद कावड़े जी। राजानंद कावड़े जी, आपका आईबीएम टीवी 9 न्यूज़ और डब्ल्यूएच न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। क्या बताओगे, आप एक किसान नेता हो और एक कांग्रेस के एक जाने माने एक व्यक्तिमत्व हो, क्या बताओगे आप? सबसे पहले मैं यहाँ आईबीएन 9 का और डब्ल्यूएच का स्वागत करना चाहूँगा कि जो आप लोग यहाँ पर आए हो और इस क्षेत्र में मुझसे रूबरू कर रहे हो, तो मैं आपका प्रथम स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ हमारे क्षेत्र में जो उमरेड विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ बेसिकली बहुत कुछ बड़ी समस्याएं हैं और वो जो समस्या है तो जो हमारे यहाँ के किसान हैं, हमारे बेरोजगार साथी है, युवा वर्ग है और सबसे बड़ी तो समस्या या जो करंडला उमरेड अभयारण्य में है, मेरा जहाँ तक ज्ञात है कि मैं देख रहा हूँ कि जो वन्य प्राणी को वजह से जो क्षेत्र माल का नुकसान हो रहा है और फसल का नुकसान हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र में समस्या है। और सबसे और एक बात कहना चाहूँगा मैं कि हमारे क्षेत्र में आज लीडरशिप है, सबसे मैं इम्पोर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो लीडरशिप है तो लीडरशिप वो नहीं है जो लीडरशिप होनी चाहिए, जो विजन होना चाहिए, जो प्लानिंग्स होने चाहिए। हम लोगों के हित के लिए, लोगों के हक और अधिकार के लिए, उनको मजबूत करने के लिए कैसा काम करें, ये मुझे तो कहीं नज़र नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पहले बीजेपी का यहाँ पे विधायक थे, अभी कांग्रेस के विधायक है, आपके पक्ष के विधायक है, क्या वो उमरेड मतदार क्षेत्र का क्या विकास नहीं कर रहे? कोई विकास नहीं कर रहे, आपका ऐसे कहना है? बात आप समझ लीजिए कि बीजेपी के जो विधायक थे, जो 5 साल में या 10 साल में जो उनका कार्यकाल रहा, तो उन्होंने अपने हिसाब से काम किया, उनको जितना करना था जैसे करना था उनके हिसाब से उन्होंने काम किया। लेकिन वर्तमान जो विधायक है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अब उनको जितना ज्ञात है, जितना समझता है उसके हिसाब से वो काम कर रहे। आपका कहना ऐसे है क्या कि भारतीय जनता पक्ष के जो सुधीर पारवी जी जो थे, उन्होंने इस क्षेत्र में 5 साल में कोई विकास नहीं किया और कांग्रेस के अभी के जो विधायक है वो भी विकास नहीं कर रहे, ऐसा कहना है क्या आपका? मैं ऐसा नहीं कहूँगा। फिर क्या कहना चाहूँगा? मैं ये कहूँगा कि वो जो है पहले जो बीजेपी के जो विधायक थे, उन्होंने जितना उनसे बनता है उतना करने का प्रयास किया, जितनी नॉलेज है उसका उपयोग किया और उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। अब वर्तमान विधायक जो है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कैसी काम? तो मुझे लगता है कि हर किसी का काम करने का एक अलग अलग अंदाज होता है, अलग अलग अपना एक तजुर्बा होता है या अपनी सोच होती है, उस सोच के अनुसार वो काम करता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि
जो विधायक है, विधायक जो भी हो या जो पिछला विधायक है या तो वर्तमान का विधायक है, तो उन्होंने एक विजन रखना चाहिए, उनका एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि हम कैसे मुद्दों पर लेके काम करें, किस मुद्दों को लेकर काम करें। तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि पिछले विधायक ने जो किया है तो उनके हिसाब से उनको अच्छा लगता है, उन्होंने जो काम किया है उसके हिसाब से सही है, लेकिन वर्तमान में उन जो विधायक है उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि उन्होंने एक विजन रख के काम करना चाहिए। देखिए राजानंद कावड़े साहब, आप एक कांग्रेस के एक वरिष्ठ एक नेता हो, मैं आपको नेता ही बोलूँगा, और किसानों के प्रति भी आपकी लड़ाई चालू रहती है। उमरी क्षेत्र में आपका एक अच्छा नाम है, एक वर्चस्व है, किसानों के लिए हर बार आप लड़ते हो। राजेंद्र कावड़े जी बोले तो, राजानंद कावड़े जी बोले तो यहाँ पे उनके पीछे किसान आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, इस परिसर में उमरेट करांडला जैसे जंगल है, जंगल भी है और या वन्य जीव भी है और किसान भी है, आपने एक सवाल उपस्थित किया कि वन्य जीव किसानों को तकलीफ देती है, क्यों देती है वन्य जीव किसानों को, उसके आपको नहीं लगता क्या कि जंगल में किसान अतिक्रमण कर रहा है करके? नहीं, मेरा जहाँ तक मानना है कि किसान तो जंगल में अतिक्रमण नहीं कर रहा है, किसान जंगल में अतिक्रमण नहीं कर रहा, और अगर वन्य जीव अगर किसान की फसल को बर्बाद करता है, किसान की फसल को डिस्ट्रॉय करता है, तो हमारे लिए वो जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हमारी गवर्नमेंट है, तो ये सभी डिपार्टमेंट ने इस बारे में सोचना चाहिए। वन्य जीव जो है खेती में जा रहा है, वन्य जीव किसान को तकलीफ दे रहा है, ऐसी आपका कहना है, लेकिन आपको ये नहीं लगता क्या कि वन्य जीव को तकलीफ किसान दे रहा है या तो उमरेट की जनता दे रही है, इसीलिए वो वन्य जीव जो है वो खेती की ओर दौड़ रहा है, मानवीय बस्ती की ओर दौड़ रहा है, ऐसी नहीं लग रहा क्या आपको? दिस इज नॉट फेयर। ये मैं आपको बता दूँ कि पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी एक वन्य जीव आणि पर्यावरण याचं एक संतुलन आहे। वन्य जीव आहे तर हे मानवाशी निगडीत आहे आणि मानव हा पर्यावरणाशी निगडीत आहे। जर हे जी काही स्ट्रक्चर आहे, हे जे काही नेचर आहे, हे जे नैसर्गिक आहे, तर एकमेकाशी आपण निगडीत आहोत। वन्यजीव असेल, पर्यावरण असेल, सजीव सृष्टी असेल, वन्य प्राणी असेल किंवा मानव असेल, तर हे एकमेकाशी निगडीत आहे। आणि महत्त्वाचा मुद्दा की आता उमरेड करांडला अभयारण्यालगत जी काही शेती आहे किंवा जे काही शेतकरी आहेत, तर वन्यजीव आणि वन्य प्राणी जर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचं नुकसान करत असतील, तर वन्य जीव किंवा वन्य प्राणी हे बोलणारे प्राणी नाही, याला जबाबदार नाही। याला वन्य जीव जर शेतामध्ये येत असतील, मी आता मराठीतच बोलतोय, तुम्ही मराठीत बोलत आहे, मी मराठीत बोलतो, जर शेतामध्ये येत असतील तर याला जबाबदार कोण? जर त्याला पूरक असं खाद्यपदार्थ किंवा खाद्य मिळालं वन्यजीवांना, तर ते कशाला या मानवी वसाहतीकडे धाव घेतील? आपण महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी अधोरेखित केलेला आहे की वन्य प्राणी आहेत ते का बरं शेतीकडे सर्क्युलेट होतात, तर वन्य प्राण्यांना जे जंगलामध्ये त्यांना जे खाद्य उपलब्ध व्हायला पाहिजे ते मिळत नसल्यामुळे वन्यजीव हे शेताकडे सर्क्युलेट होतात। तुम्ही एक प्रश्न उपस्थित केलेला आहे, वर्तमान आमदार आणि जे म्हणजे माजी आमदार झाले त्या आमदारासंदर्भात तुम्ही एक प्रश्न उपस्थित केला, दोघांवरही तुम्ही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले, काय वाटते तुम्हाला? म्हणजे ते विकास दोघांनीही
विकास केला नाही असं तुमच्या या बोलण्यावरून समजत आहे, काय म्हणाल? मी डेफिनेटली म्हणेल की दोघांनी विकास साध्य करू शकलेला नाही. विकास हा की माणसाचं जे कल्याण करू शकणारी यंत्रणा या ठिकाणी विकसित होऊ शकत असेल त्याला विकास म्हटला जाईल. विकासाची परिभाषा ही आहे की प्रत्येक माणसाच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये वाढ व्हावी, प्रत्येक माणसाचं जीवन विकसित व्हावं त्याला विकास म्हटलं जाते. विकासाची परिभाषा दुसरी होऊ शकत नाही. या ठिकाणी जर कोणी कमजोर माणूस आहे आणि त्याचे उत्पन्नाचे काही स्रोत नसतील आणि तो गरीब आहे, त्याच्या गरजा कौटुंबिक गरजा परिपूर्तता होत नसेल, याला आपण विकास समजायचं का? तर विकास काय, की विकास हा प्रत्येक माणूस जो या म्हणजे क्षेत्रामधील जो गरीब आहे, गरजू आहे, जो दुर्बल घटक आहे, तर तो कसा डेव्हलप होईल, त्याचे कौटुंबिक गरजा कशा भागवता येईल किंवा त्याचं जीवनमान कसं उंचावता येईल, हा खऱ्या अर्थाने विकास ठरतो. म्हणजे एकच सांगण्यावरून असं तुमच्या बोलण्यावरून असं लक्षात येत आहे की जे वर्तमान जे आमदार आहेत त्यांनी या उमरेड मतदारक्षेत्राचा कुठल्याच प्रकारचा विकास केलेला नाही असा तुमचा आरोप आहे का? मी स्पष्ट सांगू इच्छितो, मी व्यवस्थावादी लोकांना स्पष्ट सांगू शकतो आणि इच्छितो की ज्यांच्याकडे सत्ता आहे किंवा जे सत्तारूढ आहेत त्यांनी प्रत्येक घटकाचा कसा विकास साध्य करता येईल, जो कमजोर आहे, जो दुर्बल आहे, त्याला कसं लिफ्टअप करता येईल याचा प्रयास ह्या व्यवस्थेतील आमदार असो खासदार असो या लोकांनी करायला हवा. जर तुम्हाला येणाऱ्या 2024 जर उमरेड मतदार विधानसभा क्षेत्राचा जर काँग्रेसनी संभावित तुम्हाला उमेदवारी दिली तर कशा प्रकारे विकास कराल जर निवडून आला? माझी फर्स्ट प्रायोरिटी ही असेल की प्रत्येक माणसाचं जो दुर्बल आहे, जो कमजोर आहे, ज्याचं म्हणजे ज्याची जी परिस्थिती कमकुवत आहे अशा लोकांना मला कसं पुढे आणता येईल या संदर्भात मी प्रायोरिटीनं त्यांच्या उत्थानासाठी आणि त्यांच्या अधिकारासाठी मी प्रयासरत राहील एवढी मी या ठिकाणी ग्वाही देऊ शकतो. तर हे आपल्यासोबत होते राजानंद कावडे सर. त्यांची अचानक आमची WH News आणि IBM TV9 न्यूज या उमरेड करांडला जंगल परिसरामध्ये एका त्याच्या लगतच लागून एक शेती आहे तिथे आमच्या एका मित्राची शेती आहे, तिथे त्यांची भेट झाली राजानंद कावळे सरांची. आणि मी तुम्हाला सांगतो आहे की ते या परिसरातील एक उत्कृष्ट असे शेतकरी नेता आहेत आणि काँग्रेसचेही बलाढ्य नेता आहेत. त्यांनी वर्तमान आमदार आणि जे माजी आमदार आहेत त्या दोघांवरही आरोप केलेला आहे की त्यांनी या उमरेट मतदारक्षेत्राचा हवा तसा विकास केलेला नाही. जर 2024 काँग्रेस पक्षांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला, म्हणजे कोण राजानंद कावडे यांच्यावरती जर विश्वास ठेवला, तर या उमरेट विधानसभा क्षेत्राचा हवा तसा विकास करणार आणि युवकांसाठी रोजगार उपलब्ध करून देणार असं त्यांनी ठाम विश्वास दिलेला आहे. तर आपण बघत राहा IBM TV9 न्यूज WH News. आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, हा आयकॉन बेल बटन दाबण्यास विसरू नका. धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद.